हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट टाइटल इज़ पेट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम्स इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया हुआ है एस टी एम एल से जावा स्क्रिप्ट पी एच पी एंड माओस्कल का यूज़ करके माओस्कल हमारा डेटाबेस है जहां पर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है एंड फ्रंट एंड में हमने एस टी एम एल से जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है एंड पी एच पी का यूज़ किया हुआ है सो आई यूज़ जैम सर्वर मोस्टली आई यूज़ जैम सर्वर सो आई एम कंफर्टेबल जैम सर्वर सो हमारा डेटाबेस हमारा जैम सर्वर के अंदर स्टोर रखा है वो पी एच पी के अंदर माओ एस्कल के अंदर है सो so डेटाबेस के लिए मैंने जैम सर्वर यूज़ किया हुआ है आप इसमें वर्कबेंच भी यूज़ कर सकते हैं सो so ये हमारा डेटा बेस रहा पूरा कंप्लीट इस पेट्रोल सिस्टम्स का एंड इफ़ यू आर न्यू टू चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऐसे हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस चैनल पर आप उनको जाके चेक कर सकते हो एंड ये हमारी वेबसाइट है अगर आपको इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल चाहिए कि व्हाट वी हैव यूज इन दिस प्रोजेक्ट व्हाट वी नीड टू इंस्टॉल दिस बिफोर सेटअपिंग बिफोर सेटअप दिस प्रोजेक्ट व्हाट वी नीड टू इंस्टॉल सो आप वो सब चीज़ जाके चेक कर सकते हो आपने क्या करना है अपडेट का डॉट कॉम यूट्यूब गूगल uh, पर सर्च करना है एंड देन आपने पी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पर मिल जाएगा uh, पेट्रोल स्टेशंस का या फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो पेट्रोल स्टेशन अब यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं पेट्रोल को ठीक है तो आपको फर्स्ट नंबर पर ये दिखेगा आप इसको ओपन कर लेना है एंड देन ओपन करने के बाद आपको इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी स्क्रीन शॉट्स हाउ टू डाउनलोड एंड व्हाट आर बी नीडिड इस प्रोजेक्ट के अंदर दो चीज़ है एक हमारा मोबाइल ऐप है और एक हमारा वेब ऐप है मोबाइल ऐप जो हमारा फ्लटर के अंदर बनाया हुआ है एंड मोबाइल uh, जो हमारे वेब ऐप है वो हमारा एस टी एम एल सी से स्क्रिप्ट का यूज़ करके एंड पी एच पी का यूज़ करके बनाया हुआ है आप मोबाइल ऐप के भी स्क्रीन शॉट चेक कर सकते हो एंड आप वेब ऐप के भी स्क्रीन शॉट चेक कर सकते हो एंड कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको अभी इसका ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अगर आप चैनल पर नए हो तो आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए विद डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप उनको जाके चेक कर सकते हो लाइक फूड और रेलवे रिजर्वेशन ऑनलाइन चैटिंग आप प्ले लिस्ट जाकर ओपन करना प्ले लिस्ट में आपको डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाने वाले यू ऑलरेडी नो कि प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके फाइनल ईयर के लिए क्योंकि इसी पर आपका डिपेंड करता है आपका लास्ट ईयर एंड आपका जो जॉब के लिए इंटरव्यू है वो भी इस पर डिपेंड करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट थोड़ा यूनिक होना चाहिए पेट्रोल स्टेशन आपने अभी तक नहीं देखा होगा किसी के भी किसी भी स्टूडेंट्स के जिसने अभी तक बनाया होगा तो आप ये जाकर बना सकते हैं एक बार अगर आपको लगता है कि आपको बनाना नहीं आपको टाइम बचाना है तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए या इसका सोर्स को लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो ठीक है क्योंकि इसमें आपका टाइम बच जाएगा कम्प्लीटली टाइम बच जाएगा आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो जॉब्स के लिए आप अपने प्रोजेक्ट को साइड करके पर जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सेम उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है कम्प्लीट प्रोजेक्ट को ठीक है कम्प्लीट प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है वो आपको कम्प्लीट एक्सप्लेन करना है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबसे पहले हम इसमें एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं एंड देन एडमिन वन टू थ्री एंटर करेंगे ओके एडमिन वन वन टू थ्री ठीक है हमने इसमें एडमिन पैनल को ओपन कर लिया है एंड आफ्टर दैट आपको सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन करेगी डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर क्या दिखने वाला है कंटेनर्स दिखने वाले हैं ठीक है थीके? ये कंटेनर्स है जो जो हमारे पास डीजल से पेट्रोल के और उनके रिलेटेड पंप्स भी दिखने वाले हैं तो अभी पेट्रोल का इसके रिलेटेड कोई पंप अटैच नहीं है ये हमारा कंटेनर 95 है कंटेनर 98 है कंटेनर डीजल का है इसके अंदर पंप 5 है इसके अंदर पंप थ्री फोर है यहाँ पर पंप पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें ये दिखा देगा कि काउंटिंग कितनी है प्रीवियस काउंटिंग कितनी नई काउंटिंग कितनी करनी है लास्ट डेट कब अपडेट हुआ था ठीक है और यहाँ पर उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड पर तो ये उसका रिकॉर्ड है जिसने इसमें अब तक एंट्री की है अब हम वापस चलते हैं पम्प्स पर तो आपको यहाँ पर पम्प्स की रीडिंग दिख जाएगी इसकी टू थाउजेंडी हो इसकी टू थाउजेंड हो रखी है इसकी वन थाउजेंड और इसकी भी वन थाउजेंड तो यहाँ पर पम्प्स भी आपको दिख जाने वाले हैं जितने टोटल पम्प है इस पेट्रोल पम्प के साथ में अभी हम इसके अंदर एक पंप ऐड करने वाले पेट्रोल के लिए तो पंप का नेम हम कर देते हैं पेट्रोल एंड कंटेनर क्या है पेट्रोल का इनिशियल रीडिंग उसकी हमने जीरो कर दी एंड देन सेव कर दिया हमने इसको ठीक है तो अभी हमारे पास एक ये है पेट्रोल जिसकी रीडिंग कितनी ज़ीरो है न्यू रिकॉर्ड हम यहाँ से रीडिंग को इंक्रीज कर देंगे ये हमने यहाँ से रीडिंग कर दी इंक्रीज़ एंड देन सेव कर दिया तो यहाँ पर लीटर सेल कितना हुआ प्रॉफिट कितना हुआ वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट करके दिखा देगा कि आज की रीडिंग कितनी है अभी प्रीवियस रीडिंग इतनी हो चुकी है एंड अब न्यू रीडिंग हमें इनकाउंटर करानी है तो हमें यहाँ पर करते हैं थ्री थाउजेंड आज की रीडिंग है सेव किया हमने मस्ट बी लेस देन फाइव ओके तो हमने इसको सेव किया अभी अब टोटल लेटर कितना हमने सेल कर चुके हैं टोटल प्रॉफिट कितना हो चुका है ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अभी हम रिकॉर्ड्स पर जाएंगे तो ऑलरेडी अभी हमारे पास कितना बच रहा है एट लीटर बस बच, बच रहा है क्योंकि फाइव थाउजेंड था टोटल इसके अंदर इसके अंदर है हमारे पास सिक्सटीन थाउजेंड इसके अंदर है हमारे पास थर्टी फाइव हंड्रेड इसके अंदर ओनली सिक्स फोर्टी सेवन लीटर बच रखा है तो जितना हमारे पास पेट्रोल होगा उतना ही रीडिंग तक चले गए उसके अलावा रीडिंग नहीं चलेगा यहाँ पर पम्प्स हो गए टोटल नंबर पम्प्स सिप्स कितना हमारे पास सिप हुआ है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर हम उसका सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर हम वाउचर भी ऐड कर सकते हो किसी भी कस्टमर्स के लिए पेट्रोल पर हमने एक वाउचर ऐड कर दिया है तो इसमें वाउचर का ऑप्शन भी है हमारे पास ये हमारा कस्टमर है और इसको हम ऐड कर देते हैं तो एक वाउचर ऐड हो चुका है ये कस्टमर है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर आप उनको जाके चेक कर सकते हो कि किसने कितना सेल किया है इस वाउचर इसको ये वाउचर ऐड हो रखा है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है इसको अभी तक पे ऑफ़ इसको हम कर देते हैं पे ऑफ वैल्यू ऐड किया इनवैलिड वाउचर तो यहाँ पर हमें वाउचर की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी ट्वेल्व ठीक है ये वाउचर ऐड हो चुका है यहाँ पर हमारा पेमेंट पेमेंट ऐड हो चुकी है और ये वाउचर ऐड हो चुका है तो कंप्लीट प्रोजेक्ट है हमारा पीएचपी के अंदर इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है वो भी चेक कर सकते हो मोबाइल ऐप हमारा मोबाइल में चलेगा वो यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकता हूँ अन्य प्रोवाइडर है जिससे हम पेट्रोल लेके आ रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल स्टेशनस पर यहाँ पर दिख जाएगा इसको हम एडिट भी कर सकते हैं ये कंटेनर है तो अगर हमें कोई कंटेनर ऐड करना है तो तो हम कंटेनर ऐड कर सकते हैं अगर हमको एडिट करना है इसके अंदर तो वो भी एडिट कर सकते यहां हैं यहाँ पर पेट्रोल का कंटेनर है अभी इस कितना अमाउंट बच रखा है एट लीटर तो हम इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं कंटेनर पेट्रोल का उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं टेन थाउजेंड एंड ओके okay, ऐड करने के लिए अगर मैंने नया कंट्रीनर ऐड करना है सो दिस इज ऑल अबाउट द पेट्रोल स्टेशन प्रोजेक्ट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दिस प्रोजेक्ट यू कैन जस्ट कनेक्ट विद मी और यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट जस्ट चेकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन कॉन्टेक्ट विद दस वी विल शेयर द प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट शॉर्ट्स कॉट विद अपंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे